नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के एक बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और हमारी गवर्नमेंट्स लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स और प्राइवेट सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। जिस कारण मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि गवर्नमेंट देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए एक डेडिकेटेड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को सेटअप करने का प्लान कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर्स को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इन्वाइट किए थे, जिसमें 11 प्राइवेट कंपनीज के द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे में यूपी गवर्नमेंट जल्द ही किसी कंपनी को सेलेक्ट करके ये एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट उसको सौंपने वाली है, ताकि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया जा सके। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, जहाँ पर NHAI जल्द ही एक न्यू रैंकिंग सिस्टम को लॉन्च करने वाली है, जिसके अंतर्गत NHAI वो कंपनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी उनको रैंकिंग देने वाली है। बेसिकली दोस्तों आपने देखा होगा कि जब NHAI देश में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बिड्स इनवाइट करती है, तो उस समय बहुत सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज अपनी बिड सबमिट करती हैं, जिस कारण उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कई बार सही कंपनी सेलेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे में इस समस्या को खत्म करने के लिए NHAI इस सिस्टम को लॉन्च करने वाली है, जिसमें NHAI कंस्ट्रक्शन कंपनीज को उनके पास्ट रिकॉर्ड, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, टोल प्लाजा मैनेजमेंट्स और सेफ्टी पैरामीटर्स के हिसाब से रैंक करेगी, ताकि आने वाले समय में जो सुइटेबल एंड करेक्ट कंपनीज हैं उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सौंपे जाए। तो दोस्तों NHAI का ये स्टेप एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल रीजंस के कारण सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पूरी तरह से काम स्टार्ट नहीं हो पाया था, और पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से क्लीयरेंस दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी से कुछ परमिशन की जरूरत थी। तो ऐसे में कल द हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की तरफ से इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए उनकी तरफ से भी पूरी अप्रूवल दे दी गई है। दोस्तों इस पैनल में देश के वेरियस ऑर्गेनाइजेशन से 14 मेंबर्स एज एक्सपर्ट्स अवेलेबल थे, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रिव्यू करने के बाद इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए अप्रूवल दे दी है। तो दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में हमें जल्दी इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी अडानी सोलर एनर्जी चित्रकूट लिमिटेड की तरफ से यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में एक सोलर पावर प्लांट सेटअप कर दिया गया है। ये सोलर पावर प्लांट 25 मेगावाट कैपेसिटी वाला सोलर प्लांट है, जिसको अडानी ग्रीन एनर्जी के एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर से कनेक्ट किया गया है। दोस्तों ये सोलर पावर प्लांट की मदद से यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में एनर्जी सप्लाई करने के साथ साथ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नोएडा पावर कंपनी को भी पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत एनर्जी सप्लाई करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तराखंड स्टेट से, जहाँ पर उत्तराखंड टूरिज्म ने यह अनाउंस किया है कि वो आने वाले नेक्स्ट मंथ यानी कि फरवरी में उत्तराखंड में एक स्नो लेपर्ड शो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ये स्नो लेपर्ड शो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हर्षिल एरिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बेसिकली अगस्त 2020 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा, ताकि उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करने के साथ साथ वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को भी मेंटेन किया जा सके। तो ऐसे में अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को प्रमोट करने और उत्तराखंड में विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस स्नो लेपर्ड शो को ऑर्गेनाइज करने का डिसीजन लिया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहाँ पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन यानी कि NHSRCL ने इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करने के लिए इस कॉरिडोर का ड्रोन सर्वे स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों ये एरियल ग्राउंड सर्वे एक हेलीकॉप्टर में फिटेड लिडार की मदद से किया गया है, जिसने यूपी के ग्रेटर नोएडा से आगरा तक अप्रोक्सीमेटली 120 किलोमीटर तक के एरिया का सर्वे किया है। इस पूरे ग्राउंड का सर्वे 3 से 4 फीसद में बांटकर अगले 3 से 4 महीनों में कंप्लीट किया जाएगा। बेसिकली ये सर्वे पिछले महीने 13 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला था, लेकिन खराब मौसम होने के कारण ये सर्वे पिछले महीने स्टार्ट नहीं हो पाया था, और अब इस सर्वे को जाकर अब स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की तरफ से, जहाँ पर इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवा ने अनाउंस किया है कि वो अक्रॉस दी कंट्री 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को सेटअप करने जा रहे हैं, ताकि देश में स्टूडेंट्स के इनोवेशन एंड आइडियाज़ को एक शेप दी जा सके। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान के द्वारा ये डिसीजन तब लिया गया था जब वो नीति आयोग द्वारा ऑर्गेनाइज की गई एक वर्चुअल इवेंट को अटेंड कर रहे थे। बेसिकली ये 100 ATL लैब्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत सेटअप की जाएंगी,
और इससे पहले भी नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत 7000 से ज़्यादा ATL लैब सेटअप कर चुकी है, जहां पर 3 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स एजुकेट हो रहे हैं। दोस्तों, इन ATL लैब्स में साइंस स्टूडेंट्स उनके इनोवेशंस और आइडियाज़ को फिजिकली प्रैक्टिस कर पाएंगे, ताकि स्पेस सेक्टर में आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। और इन ATL लैब्स की एक खास विशेषता ये होगी कि इन लैब्स में जो स्टूडेंट पढ़ेंगे उनको श्रीहरिकोटा में इसरो के सैटेलाइट लॉन्च के समय सैटेलाइट लॉन्चिंग को विटनेस करने के लिए एज ए स्पेशल गेस्ट इन्वाइट भी किया जाएगा। तो दोस्तों, इसरो का ये स्टेप देश में साइंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस की तरफ से, जहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा देश में कोल एंड माइनिंग सेक्टर के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर कोई कॉरपोरेट इंडिया में अपने बिजनेस सेटअप करना चाहता है तो उसको गवर्नमेंट के कई दायरों से परमिशंस और क्लियरेंस लेनी पड़ती है, और इस प्रोसेस को काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिस कारण कोई भी कॉरपोरेट इंडिया की जगह चाइना में अपना बिजनेस सेटअप करना प्रेफर करता है, क्योंकि इस तरह के प्रोसेस चाइना में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की मदद से बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लिए जाते हैं। तो अब ऐसे में इसी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइनिंग की तरफ से ये सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, जो कि कोल एंड माइनिंग सेक्टर के लिए एक काफ़ी अच्छा स्टेप है, और आने वाले समय में जल्द ही हमें इस तरह के और भी पोर्टल देश के लगभग हर सेक्टर में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।